को संगरौली जी को क्योंकि वो रेड बॉल के सचिन तेंदुलकर थे और सभी जानते थे उनको, इतना बड़ा नाम है। और गेंदबाजी पे आए गेंदबाज, देवेंद्र पहली गेंद देवेंद्र की, ये गेंद और क्या ही खूबसूरत प्रहार किया है और बेहतरीन शुरुआत, छह के साथ यहाँ पे शुरुआत करी है, शुरुआत हो कुछ ऐसी शुरुआत हो, छह के साथ शुरुआत करी और गेंदबाज देवेंद्र की वर्मा ने जिस तरह के बल्लेबाज है बता दिया है इस स्लॉट में गेंद होगी मैं दूर भेजूंगा, ये गेंद फिर से स्लॉट में कितने अच्छा प्रयास, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, ये बाउंड्री को ठीक कर ले आप क्योंकि बाउंड्री काफी आगे आ चुकी है यहाँ से, ये चुन्नी पे आप दर्शक को खुद बैठे और बाहर रन मिलेंगे, बाउंड्री को पीछे कर ले, दर्शकों को मैं बता रहा हूँ आप जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे बाउंड्री पीछे कर ले, आगे कीजिए बाउंड्री, सुरजीत अंपायर चार रन, जी हाँ चार रन मिलेंगे, बीते गेंद काफी तेज गति की गेंद, सुरजीत गेंदबाजी पे और बल्लेबाजी पे होंगे अशु वर्मा, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जिस तरह का पहला शॉट खेला था पहली गेंद में तो कहा था कि बल्लेबाजी हो तो ऐसी शुरुआत हो, ये गेंद बड़े शॉट का रनआउट का चांस भी बन सकता था, अजी ने वापस किया यहाँ पे राउंड सेकंड और वाइट के साथ शुरुआत हुई है इस ओवर की, कांटे का मुकाबला है दोनों ही टीमें जानती है, जो जीतेगी अगले दौर में जाएगी और बड़े मुकाबले में जाएगी, ये गेंद खूब प्रहार फिर देखे जाएगी, अच्छे यही बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज, नाम है अश्विन वर्मा, पहली गेंद में पहले बड़े बड़े शॉट, विनय अंदर करते हैं बाउंड्री पर आप मिस्टर विनय, और गेंदों को बता रहे लगातार बाहर और गेंद वापस, मैदान में अश्विन वर्मा भी तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए, गेंदबाज रजत, रजत की गेंद सिक्स स्लाइडिंग दौर में खेला लेकिन एक रन देके जाएगा, अब ये निर्णय सही साबित हो पाता है कि नहीं आने वाला वक्त बताएगा, चटकी हुई गेंद और इस तरह की गेंद अगर अश्विन वर्मा को होगी तो छह रन तो निश्चित तौर पर मिलेंगे, एक और छह ओवर की भी समाप्ति, दो ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 32 रन एक विकेट के नुकसान पे, करेंगे आशु वर्मा, आशु वर्मा मैं बता दूं क्या ही बल्लेबाजी करे आशु वर्मा, ये गेंद का एक शॉट है स्कोर रन थी लेकिन पड़ा है और बहुत दूर चढ़ा है, एक और थे 58 रन बन चुके हैं, ये गेंद रन का चांस है और
लवली ने किया भी सही था। ये आशु वर्मा की अगर यहाँ से विकेट मिलती है अपने आप में बड़ा मुकाबला होगा। अब सामने है ताबड़तोड़ बल्लेबाज आशु वर्मा। गेंदबाजी पे पहली गेंद, खूबसूरत गेंद बाइस के रूप में। जी हाँ, लेकिन अकार आई जमीन को। गेंद काफी अच्छी गेंद, प्रयास भी किया था घुमाने का लेकिन देख रहे हैं, हालांकि प्लॉट में गेंद किसी गेंद थी लेकिन जिस तरह की चल करके कदमों से अशु वर्मा के लिए ये गेंद क्या ही बैटिंग कैसी में फेल हुआ है। टीम कैप्टन थे वहां पे ललित नजदीक है। कल के कदमों से थोड़ा सा रन पर रन पूरा किया और अपना चदक भी पूरा किया। क्या ही बल्लेबाज है, 50 रन बना चुके हैं इस वक्त आशु वर्मा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। स्कोर को वो बचाया है 72 रन। विशेष बच्चों भी अंकाते थे इस तरह की गेंदबाजी तो इस बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल है। एक और स्कोर गोज टू 78 रन। इसी बीच अगली गेंद लेके बुलडॉग्स थी। जी हाँ, जानते हैं कोस रहे हैं अपने आप को। ये बहुत बड़ा इस तरह की गेंद और वापस गेंदबाज के हाथों में गेंद गई है। ये बल्लेबाज क्या ही बल्लेबाजी करते हैं। बहुत अच्छी हुई गेंद और गेंद बहुत दूर जाती हुई। एक और छे बैक टू बैक सिक्सेस। छे की मदद से स्कोर उछलता हुआ दौड़ता हुआ 84 रन बच चुके हैं। क्या ही बल्लेबाजी हो रही है जो अच्छा बाकी द्वारा। ये गेंद काफी बेहतरीन गेंद स्टेट बाउंड्री पे है। अगर आवाज पहुंच रही है तो गाड़ी को हटा दें अन्यथा नुकसान हो सकता है। ये गेंद आशु वर्मा नहीं बचने वाले। आज लगातार बड़े बड़े शॉट यहाँ पे खेल रहे हैं, गेंदों को बचा रहे हैं बाउंड्री के बाहर। एक और से स्कोर को बचाया है 90 पार। पारी का भी 7 ओवर दविंदर द्वारा। आशु वर्मा तैयार होते हुए गेंद चांस बना है जी नहीं, फिर से उसी दिशा में खेला है। सिक्स जोन में गई है इस मतलब 2 रन मिलेंगे। गेंद जब भी किसी दर्शक या फिर बॉल बॉय के पास होती है भेज दे आप, हाथों में अच्छी नहीं लगती, मैदान में अच्छी लगती है गेंद, क्योंकि आशु वर्मा फॉर्म में है, बड़े बड़े शॉट लगा रहे हैं। बैक टू द बॉलर काफी बेहतरीन शॉट है उसी खिलाड़ी के पास है जिसने 5 रन अपनी टीम के लिए बचाए थे, पूरा किया था। और देखते हैं कि अब शतक की तरफ जा पाते हैं कि नहीं। शतक लगाएंगे 1100 रुपए भी इनाम पाएंगे तो चांस हालांकि दूर है लेकिन चांस है। ये गेंद काफी ऊंची विकेट कीपर से जा रहे हैं। जी हाँ, कॉल हुई है, बड़ी विकेट अपने नाम की है। हालांकि शतक की तरफ जैसे कि मैं कह रहा था जा रहे थे लेकिन अपनी टीम के लिए खेल रहे थे यहाँ पे।